bilang-bilang. चलो अभी नेक्स्ट हम अपना कौन सा था, थर्ड अपना थर्ड सेकंड हो चुका ना अपना, शॉर्ट सम सेकंड हो चुका है अपना, सेकंड हो गया ना, थर्ड वन ओके। थर्ड में क्या दिया है, ए एन बी आर पार्टनर्स ऑफ ए फर्म दे एडमिटेड सी वन सिक्स शेयर्स एज अ न्यू पार्टनर आफ्टर एडमिशन ऑफ सी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एन बी इज 2:3। तो अपना हो गया थर्ड वाला, अभी थर्ड वाला हो गया अपना ओके। नाउ फोर्थ वन, सो फोर्थ में क्या दिया हुआ है, ए एन बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो यहाँ पे लिख दो पहले ए एन बी, ओल्ड दिया हुआ है 2:1। दे एडमिटेड सी विथ न्यू पार्टनर्स, सो सी को एडमिट किया है 1/5 शेयर में। सी विल एक्वायर्स 1/10 फ्रॉम शेयर्स फ्रॉम ए एंड 1/10 शेयर फ्रॉम बी ओके। तो यहाँ पे आपको फ्रॉम हिज शेयर, ऑफिस शेयर नहीं है ओके। तो यहाँ पे सी जो है वो ए से एक्वायर कर रहा है कितना, 1/10 ओके, और बी से कितना एक्वायर कर रहा है, 1/10 ओके। तो 1/5, हाँ 1/5 तो सी का है ओके, बराबर वो एक्वायर कर रहा है 1/10 बराबर। अभी आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फाइंड द न्यू शेयर एंड सैक्रिफाइस रेशियो ओके। न्यू शेयर फाइंड करना है और आपको सैक्रिफाइस फाइंड करना है ओके। तो यहाँ पे आपको ये सैक्रिफाइस दिया हुआ है ओके बराबर। न्यू शेयर क्या होगा, न्यू शेयर ऑफ ए दैट इज अ ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस ओके। सो ओल्ड कितना है, 2/3 है, माइनस सैक्रिफाइस कितना है, 1/10 ओके। सो इसका एलसीएम क्या होगा, 3 और 10 का 30 होगा, 3 10 30, 10 2 20, 10 3 30, 3 1 3, तो 17/30 होगा ए का ओके। बी का क्या होगा, 1/3 माइनस 1/10, सो 30 इज एलसीएम, 3 10 10 1 10, 10 3 3 1 3, यहाँ पे 7/30 ओके। अभी सी का कितना है, यहाँ पे 1/5 तो ऑलरेडी है ओके, 30 क्या है एलसीएम है ओके। सो क्या होगा, 5 6 30, तो 6 होगा, ये फर्स्ट मेथड ओके। सेकंड में क्या करना है, 30 माइनस 17, तो कितना होता है, 30 माइनस 17 कितना होता है, 13 13 माइनस 7 6 6 आ गया सेकंड मेथड। तो न्यू रेशियो क्या आएगा इनका, 17:2 7:6 ओके। चेक द आंसर, 17:7:6 ओके। चेक द आंसर, अभी देखो सैक्रिफाइस दिया हुआ है ओके। सैक्रिफाइस क्या है, ए और बी का 1/10 1/10 ओके। तो 1:1 होगा क्या, सैक्रिफाइस क्या होगा, 1:1 जो दिया हुआ है, चौथा नहीं खड़ा रखा उसको मैंने। सैक्रिफाइस क्या है भाई, विशेष दिख रहा है बराबर, दिख रहा है ओके, प्रॉब्लम होगा। सो क्या यहाँ पे 1:1 ओके, सैक्रिफाइस क्या है, 1:1 ओके, सैक्रिफाइस क्या है, 1:1 आपका न्यू रेशियो क्या है आपका, 17:7:6 ओके। सैक्रिफाइस दिया हुआ है देखो, 1/10 1/10 दिया हुआ है, तो आपको क्या रखना है, सिर्फ 1:1 लिखना है बस और कुछ नहीं।
हाँ तो 2:3 होता बेटा, 2:3 होता। हाँ तो फिर निकालना पड़ता बेटा। ओके यहाँ पे सपोज 1/10 है, यहाँ पे 1/20 होता तो 20 एलसीएम आता। 20 एलसीएम के बाद में आपको निकालना पड़ता है यहाँ पे 10 2 2 1 2 और 10 2 सॉरी यहाँ तक 20 होता। ओके 20 1 20 तो 2:1 आता। ओके बराबर, तो फिर 2:1 आता। सो क्लियर ऑल ऑफ यू? तेरा तेरा बेटा नेट में प्रॉब्लम है बेटा, तेरे नेट में प्रॉब्लम है। ओके चलो अभी करो इसको। ओके ओके नाउ नेक्स्ट वन। ओके क्वेश्चन नंबर 5, 5 में क्या दिया हुआ है? ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ओके यहाँ पे तीन पार्टनर है ए बी एंड सी, 5:3:2 ओके इनका रेशियो है। दे एडमिटेड डी एज ए न्यू पार्टनर, डी को न्यू पार्टनर एडमिट किया है, यहाँ पे ओल्ड दिया हुआ है। ओके ए सेक्रीफाइस 1/20 फ्रॉम हिज शेयर, देखो ए का क्या दिया हुआ है 1/20 सेक्रीफाइस फ्रॉम हिज शेयर का मतलब क्या है सेक्रीफाइस है। ओके सो ए का क्या है 1/20 फ्रॉम हिज शेयर, बी सेक्रीफाइस 3/20 3/40 ओके फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ डी। ओके इन फेवर ऑफ डी यहाँ पे सिर्फ ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ओके सी नहीं कर रहा है। ओके सी नहीं कर रहा है, सी का ऐसे का ऐसा ही। ओके बराबर सी का 2 है 2/10। ओके ए का 5/10, बी का 3/10, सी का 2/10। ओके टोटल मीन्स डिनोमीटर। ओके टोटल ऑफ ऑल दिस पार्टनर इज डिनोमीटर। ओके सो 5/10 3/10 2/10 डी का क्या है दिया हुआ है, कुछ भी दिया नहीं। ओके वो आपको फाइंड अभी डी का फाइंड करना हो तो कर सकते हो आप, सेक्रीफाइस दिया हुआ है। ओके तो 1/20 + 3/40 ओके एलसीएम कितना आएगा 40 आएगा। ओके तो 22 हाँ यस आ जाएगा इसका डी का, सिर्फ डी का न्यू रेशियो नहीं सिर्फ डी का, डी का कितना शेयर वो आ जाएगा। ओके 41 1 3 3 ओके सो 5/40 इज द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। ओके सेक्रीफाइस दिया हुआ है तो फाइंड कर सकते हो। ओके फ्रॉम भी शेयर दिया है इसका मतलब क्या सेक्रीफाइस दिया हुआ है तो उसको प्लस करोगे तो आ जाएगा ओके डी का शेयर, बट ऑफिस शेयर दिया है तो आपको फाइंड करना पड़ेगा ओके सेक्रीफाइस बराबर। सो यहाँ पे क्या हुआ अभी न्यू रेशियो। ओके न्यू रेशियो ऑफ ए ओके तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड कितना है 5/10, सेक्रीफाइस कितना है 1/20 ओके तो एलसीएम कितना आएगा 20 आएगा, 10 2 2 5 10 20 1 1 1 सो 9/20 इसका आया। ओके ए का और बी का, ओके बी का न्यू शेयर ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड कितना है 3/10 माइनस सेक्रीफाइस कितना है उसका 3/40 है तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 40 आएगा, कितना आएगा एलसीएम 40 आएगा। ओके सो 10 4 40 4 3 12 41 1 3 3 सो 12 - 3 कितना होगा 9 होगा 9/20 ओके सो 12 - 3 कितना होता है 9 9/20 ओके सो यहाँ पे 9/20 9/20 अभी आपको निकालना होगा तीनों का। ओके चारों का निकालना होगा उसमें अभी आपको चारों का नया निकालना है। ओके ए का क्या है 9/20 आया, बी का क्या आया 9/20 आया, सी का दिया ही नहीं है कुछ उसने सेक्रीफाइस किया नहीं है तो उसका वही को भी रहेगा ओके 2/10 ओके और डी का कितना मिल रहा है अपने को 5/40 ओके 5/40 अभी आपको एलसीएम निकालना है आपको न्यू रेशियो मिल जाएगा। ओके बराबर तो इसका क्या आएगा एलसीएम क्या आएगा 40 आएगा, इन सबका एलसीएम कितना आएगा 40 आएगा। ओके सो 20 2 40 2 9 18 20 2 40 2 9 18 10 4 40
फोर टू जा एट, 40 वन जा 40 1 5 जा 5। ओके यहाँ पे कितना आया, तीन चारों का न्यू रेशियो क्या आया, 18:18:8:5 इज द न्यू रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर्स। ओके और सेक्रीफाइस किसका होगा, सिर्फ ए और बी का होगा। सेक्रीफाइस क्या होगा, ए और बी का होगा। तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया यहाँ पे दिया है 1/20 और 3/40। ओके इसका एलसीएम निकालो तो परफेक्ट आ जाएगा। ओके दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर दो तो 1/20। ओके और रेशियो आएगा बेटा। ओके तो हाँ तो कोई बात नहीं, उस चलता है। ओके सो 1/20 और रेस्ट टू 3/40। ओके अभी इसका 40 ले लो एलसीएम आप, 22 जा 40 2 1 जा 2। ओके इसमें रेशियो डाल दो, 41 जा 1 3 जा 3। सो 2:3 के आया सेक्रीफाइस आया ए और बी का, क्योंकि सी कुछ भी नहीं कर रहा है, सी को कुछ भी नो प्रॉफिट नो गेन है और डी तो नया पार्टनर है। ओके तो उसका सेक्रीफाइस होगा ही नहीं। सो ए बी का सेक्रीफाइस कितना है, हाँ यस 2:3। ओके बराबर, तो ये न्यू रेशियो और ये सेक्रीफाइस, चेक द आंसर। हाँ सेक्रीफाइस ऑफ ए एंड बी। ओके ए एंड बी बराबर। चलो अभी आगे जान दो इसको। ओके नहीं नहीं 2 मिनट 2 मिनट, यहाँ पे क्या था अपना 9/20 था, यहाँ पे 9/40। ओके 9/40 यहाँ पे 41 जा 1 9 जा 9। ओके सो 18:9:8:5। ओके ये आपका न्यू रेशियो है। ओके यहाँ पे 40 ऑलरेडी था, 9/40 था, यहाँ पे 9/20 था, यहाँ पे 9/40 था। ओके बराबर है, यहाँ पे 9 ही आएगा। ओके नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 6। ओके क्वेश्चन नंबर 6, सिक्स में क्या दिया हुआ, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। ओके यहाँ पे ए और बी पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो है 3:2। ओके ओल्ड रेशियो, दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर, तो सी को नया पार्टनर एडमिट किया है 1/10। ओके दे एडमिटेड न्यू पार्टनर सी फॉर 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट विच ही विल एक्वायर्स फ्रॉम ए एंड बी इन इक्वल प्रोपोर्शन। ओके यहाँ पे प्रोपोर्शन दिया हुआ है। ओके ए और बी का, ए और बी का प्रोपोर्शन कितना है सेक्रीफाइस का, इक्वल है। ओके 1:1 है सेक्रीफाइस प्रोपोर्शन दिया हुआ है। ओके हाँ सेक्रीफाइस प्रोपोर्शन, ओके आपको सेक्रीफाइस फाइंड करना पड़ेगा। ओके सेक्रीफाइस प्रोपोर्शन दिया है, ओके इक्वल दिया है तो 1:1 होगा। ओके बराबर, सो सबसे पहले फाइंड करेंगे सेक्रीफाइस, तो क्या होगा ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय सेक्रीफाइस प्रोपोर्शन। तो ओल्ड रेशियो क्या है, 3/5 है और 1/2 ये। ओके सो 3 बन जा 3 5 बन जा 10, ये ए का होगा, ये बी का सेक्रीफाइस। ओके सो 2/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 बन जा 2 और 5 बन जा 10। तो सेक्रीफाइस क्या आया, 3/10 और 2/10 आया बराबर ए और बी का। अभी आपको फाइंड करना है न्यू शेयर, न्यू शेयर ऑफ ए, तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड कितना है 3/5 है, माइनस क्या है सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस कितना है 3/10 है। ओके सो 10 क्या आएगा, एलसीएम आएगा यहाँ पे 5 2 जा 10 और 2 3 जा 6, 10 1 जा 10 1 3 जा 3, 6 - 3 कितना होता है 3/10। ओके अभी ये आपका बी का फाइंड करना है आपको, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड कितना दिया हुआ है 2/5 माइनस सेक्रीफाइस कितना है 2/10। सो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, 10 आएगा, 5 2 जा 10 2 2 जा 4, 10 1 जा 10 1 2 जा 2, सो 2/10। ओके
अभी सी का निकलना है आपको, तो सी का जो है वो क्या है, 1/10 तो दिया हुआ है ऑलरेडी, ओके। एलसीएम कितना है यहाँ पे, 10 ही है, यहाँ पे 1 आएगा, ओके। सो ये क्या हुआ, 5 2 10, 3 + 2 5। सी का कितना दिया हुआ है, दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर, हाँ अच्छा हाँ, इसका वो नहीं, ओके बराबर, वो 110 नहीं, ओके। तो क्या करो, अपने पास और भी ज़्यादा नहीं होंगे, तो 10 - 3 करो तो 7 होगा, 7 - 2 = 5 होगा, सो 5/10, ओके। सो न्यू रेशियो क्या आया, 3:2:5 आया, 10 - 3 - 2, ओके। हाँ एक ही मेथड होगी, क्योंकि वो दिया नहीं, उसका एक बार दिया नहीं, ओके बराबर। चेक द आंसर, न्यू रेशियो चेक करो पहले, सेक्रीफाइस आपका होगा 3:2, ओके। कितना है, तो एलसीएम में कुछ प्रॉब्लम होगा क्या, यहाँ पे देखो 5 2 10, 3/5, हाँ सेक्रीफाइस, हाँ हाँ सेक्रीफाइस 1:1 है, इक्वल प्रोपोर्शन है ना बेटा, वो तो मैं लिख दिया यहाँ पे 1:1, ओके। 2 मिनट, सेक्रीफाइस अरे हाँ यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 1/10 से मल्टीप्लाई करना था बेटा, 1/10 से करना है, ओके। यहाँ पे क्या होगा, 1/20 होगा, यहाँ पे 1/10 से मल्टीप्लाई करना है, हाँ। अभी इसमें क्या है कि यहाँ पे शेयर ऑफ न्यू पार्टनर मल्टीप्लाई बाय सेक्रीफाइस प्रोपोर्शन, इसका सेक्रीफाइस का फॉर्मूला है बेटा, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, दो फॉर्मूला ओके इसमें, तो शेयर ऑफ न्यू पार्टनर दिया हुआ है ओके, यहाँ पे 1/10 ओके, इंटू सेक्रीफाइस प्रोपोर्शन ओके, तो यहाँ पे क्या होगा 1/10 × 1/2, यानी क्या हो जाएगा अपने पास 1/20, ओके। तो अभी क्या करोगे, एलसीएम से 1/20 माइनस करना है आपको, 1/20 आपको माइनस करना है, ओके। सो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, 20 आएगा, सो 5 4 20 4 3 12, ओके। 20 1 20 1 1 1, सो 11/20, ओके। फर्स्ट का, सेकंड का, यहाँ पे 20 एलसीएम आएगा बिकॉज यहाँ पे 20 इसीलिए, सो 5 4 20 4 2 8, 20 1 20 1 1 1, सो 8 - 1 7, ओके। और यहाँ पे कितना है आपके पास, दैट इज 2 मिनट, 2 मिनट तो करेंगे ना, यहाँ पे 10 होगा, 10 × यहाँ पे 20 एलसीएम है, ओके फर्स्ट मेथड, ओके। सो 10 2 20 और यहाँ पे 2 1 2, ओके। सो यहाँ पे क्या आएगा, 2/20, ओके। तो देखो आपके पास सेकंड मेथड क्या है, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, 20 - 13 कितना होता है, 20 - 11 कितना होता है, 9 होता है, 9 - 7 कितना होता है, 2 होता है, तो 2 आ गया यहाँ पे, ये सेकंड मेथड है अपना, ये फर्स्ट मेथड है ये वाला, और ये सेकंड वाला मेथड, ओके बराबर। यहाँ पे आपका न्यू रेशियो आएगा, दैट इज 11:7:2, ओके, 11:7:2, क्वेश्चन नंबर 7, सेक्रीफाइस से इक्वल प्रोपोर्शन दिया हुआ है अपने को बेटा, नहीं नहीं फाइंड नहीं करना है, ओके। ये सेक्रीफाइस तो यहाँ पे किया ना, ये रहा 1/20 और 1/20, ओके, 1/10 × 1/20, 1/10 × 1/20, तो 1/20 आया इसका, ये सेक्रीफाइस ऑलरेडी फाइंड कर लिया, ओके 1:1, तब जाके आगे क्या ना सेक्रीफाइस वाला,
ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस. ओके नाउ सेवन फॉर सेवन में क्या दिया भाई, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 20% 40% और 40%. ओके यहाँ पे तीनों का दिया हुआ है आपको 20, 40, 40. ओके रिस्पेक्टिवली दे एडमिटेड डी एज ए न्यू पार्टनर. तो यहाँ पे क्या होगा, ओल्ड रेशियो है तो 20/100 तो जीरो काट दो तो 2/10 हो जाएगा. उसके बाद 40/100 जीरो काट दो 4/10 हो जाएगा. 40/100 जीरो काट दो तो 4/10 हो जाएगा. ओके बराबर तो ओल्ड रेशियो मिल गया अपने को 2/10, 4/10, 4/10. ओके अब इसको रिड्यूस फॉर्म में कर सकते हो आप, 2 1s are 2 5s are 2 2s are 2 5s are 2 2s are 2 5s. ओके तो आपका आएगा 1/5, यहाँ पे आएगा आपका 2/5, यहाँ पे आएगा आपका 2/5. ओके तो ये आपको मिल गया ओल्ड रेशियो. ओके उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, दे एडमिटेड डी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर इन प्रॉफिट. ओके तो डी को एडमिट किया है, इसका 1/8 दिया हुआ है. ओके उसके बाद डी इज रिसीव्ड हिज शेयर फ्रॉम बीएनसी इन द रेशियो ऑफ 3:2. ओके तो यहाँ पे जो डी है ओके वो बी और सी में से ले रहा है. ओके बी और सी में से कौन सा रेशियो है उसका, 3:2 है बराबर. तो डी इज टू बी रिसीव्ड हिज शेयर फ्रॉम बीएनसी ऑफिस शेयर तो लिखा नहीं, ऑफिस शेयर एंड सैक्रिफाइस नहीं है बेटा, सैक्रिफाइस फाइंड करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस फाइंड करना पड़ेगा बेटा. ओके फ्रॉम नहीं, फ्रॉम बीएनसी है ऑफिस शेयर है ना, लिखा है देखो डी इज टू बी रिसीव्ड हिज शेयर फ्रॉम एएनबीसी. तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, फ्रॉम हिज शेयर होता है तो वो सैक्रिफाइस होता है बराबर है. फ्रॉम हिज शेयर हो, फ्रॉम हिज शेयर हो तो वो सैक्रिफाइस होता है बेटा. नहीं फ्रॉम नहीं है, ऑफिस शेयर देखो टू रिसीव हिज शेयर के बाद फ्रॉम है, हिज शेयर के बाद फ्रॉम है. ओके यहाँ पे आपको सैक्रिफाइस फाइंड करना है तो पहले सैक्रिफाइस फाइंड करो. सैक्रिफाइस किसने किया, सैक्रिफाइस प्रपोज किसने दिया है, 3:2 बी और सी का है. ओके तो सैक्रिफाइस, हाँ सैक्रिफाइस, हाँ सैक्रिफाइस ऑफ बी, हाँ यहाँ पे सैक्रिफाइस प्रपोर्शन लिखना है बेटा, सैक्रिफाइस प्रपोर्शन. ये सैक्रिफाइस आपको फाइंड करना है, प्रपोर्शन दिया हुआ है. ओके बराबर आपको सैक्रिफाइस फाइंड करना है, वो दोनों अलग है. ओके सो यहाँ पे आपको सैक्रिफाइस ऑफ बी क्या होगा, आपका शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर मल्टीप्लाई बाय सैक्रिफाइस प्रोपोर्शन. यहाँ पे शेयर ऑफ न्यू पार्टनर कितना दिया हुआ है, 1/8 मल्टीप्लाई बाय सैक्रिफाइस प्रोपोर्शन कितना है, 3/5. ओके सो 3 1s are 3, 8 5s are 40. वैसे आपको सी का फाइंड करना है, 1/8 × 2/5 तो 2 1s are 2, 8 5s are 40 सो 2/40. ओके सो यहाँ पे 3/3:2 आया. ओके सैक्रिफाइस क्या आया, 3:2 आया. सैक्रिफाइस कितना आया, 3:2 आया. ओके बराबर ए एंड बी का. ओके अभी आपको फाइंड करना है न्यू शेयर बी एंड सी, न्यू शेयर ऑफ ए. ओके तो ए को फाइंड करने की जरूरत नहीं, उससे कुछ किया ही नहीं. ओके तो न्यू शेयर ऑफ बी होगा पहले, न्यू शेयर ऑफ बी तो क्या होगा, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस. ओल्ड कितना है उसका, 2/5 माइनस सैक्रिफाइस कितना है उसका, 3/40 है. 40 एलसीएम आएगा, 5 8s are 40, 8 2s are 16, 40 1s are 40, 1 3s are 3, 16 माइनस 3 कितना होता है, 13/40. ओके न्यू शेयर ऑफ सी ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, ओल्ड कितना दिया हुआ है, 2/5
सेक्रीफाइस कितना दिया हुआ है उसका, 2/40, यहाँ पे 40 आएगा। ओके, 5 8 जा 40, 8 2 जा 16, 41 जा 40, 1 2 जा 2, तो 40 upon 40। ओके बराबर, अभी आपको न्यू शेयर फाइंड करना है चारों का। ओके, तो ए का क्या होगा, ए का कोई चेंज ही नहीं। ओके, तो क्या होगा, ए का 1/5 था, एलसीएम कितना है यहाँ पे 40। ओके, सो 5 8 जा 40 होता है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। उसके बाद डी का, डी का कितना शेयर उसको मिल रहा है, 1/8 मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे एलसीएम 40 है, सो 8 5 जा 40, तो 5 आ जाएगा। ओके, सो न्यू शेयर क्या होगा, 13 raise to 14 raise to, अभी ए का क्या है, 8 है। ओके, सो 8 raise to 13, बी का, सी का 14 और डी का 5। ओके, 40 हो रहा है देखो अभी, तो यहाँ पे 17 17 plus 13 हो गया 40। सो न्यू रेशियो क्या आया, 8 raise to 13 raise to 14 raise to 5। ओके, चेक द आंसर, और सेक्रीफाइस कितना है, 3 raise to 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एट में क्या दिया हुआ है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर। तो यहाँ पे ए और बी जो है वो दिया हुआ, ओके, पर उसका कोई रेशियो दिया हुआ नहीं है। ओके बराबर, उसके बाद आगे क्या दिया हुआ है, सी दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर और 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट, आउट ऑफ विच सी टेक्स 1/15 शेयर फ्रॉम ए एंड रिमेनिंग शेयर फ्रॉम बी। बराबर, सो यहाँ पे एक और बी को कुछ दिया नहीं है, तो एज्यूम कर लो 1:1। ओके, सो ओल्ड क्या होगा, 1:1 कुछ दिया नहीं है, सी को एडमिट किया है, सी को एडमिट किया है, कितना है उसका, सी का एडमिट प्रॉफिट कितना है, 1/5। ओके, सी का कितना है, 1/5 है, सी एज न्यू पार्टनर विथ 1/5 शेयर। ओके बराबर, अभी यहाँ पे सेक्रीफाइस दिया हुआ है किसका, ए का दिया हुआ है। ओके, आउट ऑफ विच सी टेक्स 1/15, नहीं दोनों का दूसरे का फाइंड करना है, तो यहाँ पे सेक्रीफाइस दिया हुआ है, सेक्रीफाइस ए का कितना है, 1/15। ओके, और बाकी का वो बी में से लेगा। ओके, ऐसा बोला है, तो अभी सेक्रीफाइस ए का दिया है, सेक्रीफाइस ऑफ बी फाइंड करो, अभी सेक्रीफाइस ऑफ बी फाइंड करेंगे, तो क्या होगा, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, तो पहले यहाँ पे शेयर ऑफ न्यू पार्टनर माइनस सेक्रीफाइस ऑफ ए, सेक्रीफाइस ऑफ ए, तो उसमें से आपको सेक्रीफाइस बी का मिल जाएगा। ओके, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर कितना है, 1/5 है, सेक्रीफाइस ऑफ ए कितना है, 1/15 है, तो उसको माइनस करो तो आपको मिल जाएगा बी का। ओके, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा, ये फॉर्मूला नंबर 5 है, देखो मैं आपको लिख पाई है, 4 या 5 दोनों में से, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 15 1 जा 15, हाँ तो हाँ, तो ऐसा उल्टा करने का फिर। ओके, सेक्रीफाइस ऑफ बी। ओके बराबर, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 1 जा 15, 1 1 जा 1, सो 2/15 आया आंसर, क्या आया, 2/15 किसका, बी का सेक्रीफाइस। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, सेक्रीफाइस ए और बी का 1:2। ओके, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, 1/15, यहाँ पे 2/15 आया। ओके, सो 1:2 क्या आया, सेक्रीफाइस ए एंड बी का। ओके, अभी न्यू शेयर ऑफ ए, न्यू शेयर ऑफ ए। ओके, तो उसमें क्या करना है आपको, न्यू शेयर ऑफ ए में ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड कितना दिया हुआ है, 1/2, मैं सेक्रीफाइस 1/15, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 2/15 का 30 आएगा। ओके, सो 2 15 जा 30, 15 1 जा 15। ओके, और 15 2 जा 30, 2 1 जा 2, सो 13/30 इज द न्यू शेयर ऑफ ए। ओके, उसके बाद न्यू शेयर ऑफ बी क्या होगा, 1/2 माइनस 2/15। ओके, दिया है ना 1/15। ओके, सेक्रीफाइस 1/15,
सो टू यहाँ पे एलसीएम 30 आएगा, 2 15 जा 15 जा 15, 15 टू जा 30, 2 टू जा 4, 15 माइनस 4 कितना होता है, 11, 11 बाय 30। ओके तो यहाँ पे न्यू शेयर कितना आया, 13 11, और सी का अभी आपको फाइंड करना है। ओके सी का कितना शेयर है, 1/5 ओके जो दिया हुआ है। एलसीएम कितना है, 30 है, तो 5 6 जा 30, तो ऊपर भी 6 आएगा, सो यहाँ पे 6/30 आया। ओके तो न्यू शेयर कितना है, तीनों का मिला के 13:11:6। ओके चेक द आंसर, और सेक्रीफाइस कितना आया, 1:2, चेक द आंसर। दो मिनट में वो पावर बैंक लगा देता हूँ, बैटरी कम हो गई। ओके नाउ नेक्स्ट वन, ओके क्वेश्चन नंबर 9 नाउ। नाइन में देखो क्या है, पीएनबी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। ओके दे एडमिटेड डी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/20 शेयर ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ विच ही टेक्स 1/40 फ्रॉम ए एंड रिमेनिंग फ्रॉम बी एंड सी इक्वली। ओके यहाँ पर देखो नाइन्थ में क्या दिया हुआ है, ए बी सी ओके तीन पार्टनर है, 4:3:3 है, सॉरी ए बी एंड सी। ओके ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 4:3:3 ओके ये दिया हुआ है। ओके बराबर दे एडमिटेड डी एज ए न्यू पार्टनर ओके फॉर 1/20 शेयर ऑफ प्रॉफिट। ओके तो डी का क्या है, 1/20 शेयर। ओके उसके बाद क्या दिया हुआ है, आउट ऑफ विच ही टेक्स 1/40 फ्रॉम ए, 1/40 फ्रॉम ए ओके, और बाकी का जो है वो इक्वली ले लिया। ओके इसमें से इन दोनों में से ओके 1:1 में बाकी क्या है वो इसमें से इक्वली ले लिया। ओके बराबर तो क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले सेक्रीफाइस ऑफ ए तो दे दिया है कितना है, 1/40 ओके बराबर। नाउ सेक्रीफाइस यानी इक्वल दे दिया, यानी 1:1 ले लिया मैंने। ओके बराबर बाकी का, ओके बाकी का क्या है, दोनों का लेना है बी और सी का। ओके तभी देखो सेक्रीफाइस ऑफ ए, सेक्रीफाइस ऑफ ए वो तो दिया हुआ है। ओके सेक्रीफाइस ऑफ बी एंड सी आपको फाइंड करना है, तो सेक्रीफाइस ऑफ बी एंड सी इक्वल्स टू यहाँ पे शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर माइनस माइनस सेक्रीफाइस ऑफ ए। ओके हाँ बोलो, हाँ ऐसे नया तो यहाँ पे कुछ भी आएगा बेटा, कुछ भी आएगा आपको एडजस्ट करना है बेटा। हाँ ऐसे कुछ भी आ सकता है, वो कैसे भी पूछ सकते हैं ये तो। चलो आपने गुजरात बोर्ड फॉर्मूला दिया है, ओके सीबीएसई में कुछ भी नहीं, कहाँ से भी आएगा। ओके आपको बनाने का बेटा, तो कोई बात नहीं, देखो बना सकते हो ना आप। देखो मैं समझाता हूँ आपको, सेक्रीफाइस ऑफ बी एंड सी इज इक्वल टू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर माइनस माइनस सेक्रीफाइस ऑफ ए। ओके जो बाकी का बचा उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, बस खत्म बात। ओके हाँ शेयर ऑफ न्यू पार्टनर माइनस सेक्रीफाइस ऑफ ए, सेक्रीफाइस ऑफ ए, सो शेयर ऑफ न्यू पार्टनर कितना अपने पास, दैट इज 1/20। ओके
सेक्रीफाइस ऑफ ए कितना है 1/40, तो कितना आएगा एलसीएम 40 आएगा बेटा बराबर। सो 20 2 जा 40, 2 1 जा 2 40, 1 जा 40, 1 1 जा 1, सो 1/40 आया। अभी 1/40 को इक्वल डिवाइड करना है बेटा, तो कैसे करोगे? तो 0.5 0.5 लेंगे ना, पर हाँ यहाँ पे 1 है, ओके 1 है, ओके बराबर है। तो इसको क्या करेंगे, 0.5 0.5 आ जाएगा इसमें बराबर। तो क्या होगा, तो 0.5 0.5 डिवाइडेड बाय 40, 0.5 डिवाइड बाय 40, ओके बराबर है। अभी पॉइंट को हटा दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट को हटा दो तो 5/400 हो जाएगा। पॉइंट हटाया मैंने, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/400 हो जाएगा। हाँ देख, एक जो ऊंचे लगता है बेटा, ओके यहाँ पे क्या होगा, 5/8 जा 40, ओके तो यहाँ पे 80 हो जाएगा, 5/8 जा 40, तो यहाँ पे क्या होगा, 1/80 1/80 हो जाएगा। तो दोनों कितना मिलेगा, दोनों को 1/80 1/80, ओके। अभी आपको निकालना है न्यू रेशियो, ओके तो न्यू रेशियो, हाँ ए का क्या है 1/40, दूसरे सेक्रीफाइस किया है, ओके बी का सेक्रीफाइस कितना आया 1/80 आया, सी का कितना आया 1/80 आया बराबर है। तो अभी हाँ उसको मैंने कटिंग कर दिया बेटा, 5 1 जा 5 और 5 8 जा 400, ओके सो 1/80 1/80, हाँ 1/80 1/80, ये 80 है बेटा, वो जीरो मैंने छोटा कर दिया, ओके। सो यहाँ पे अभी सेक्रीफाइस तीनों का क्या होगा वो फाइंड करो। देखो अभी तो यहाँ पे 80 क्या आएगा, एलसीएम आएगा, सो 40 2 जा 80 2 1 जा 2 81 जा 1 1 जा 1 81 जा 1 1 जा 1, सो यहाँ पे 2/80 1/80 और 1/80 इसका क्या आएगा, सेक्रीफाइस आएगा, ओके। अभी आपको फाइंड करना है न्यू रेशियो, 2/80 1/80 1/80, ये क्या आया, सेक्रीफाइस आया एबीसी का, ओके। अभी आपको फाइंड करना है न्यू रेशियो, न्यू रेशियो क्या होगा, ये शॉर्ट सम कहाँ भी किसी भी क्लास में नहीं करवाते, क्यों नहीं करवाते मेरे को पता नहीं है अभी, ओके डायरेक्टली वो बिग सम चालू कर देते हैं, किसी भी स्कूल में करवाते नहीं है शॉर्ट सम। मैं तो कराऊंगा स्कूल में,